हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि कोविड 19 के चलते लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में स्कूल व कॉलेज बंद किए जाने के बाद पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपनाई गई ई लर्निंग में हरियाणा देश में अग्रणी रहा तथा ई लर्निंग राज्य में काफी हद तक सफल रही। शिक्षा मंत्री वीरवार को विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। सरकारी स्कूलों का 10वीं व 12वीं की परीक्षा परिणाम में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले लगभग बराबर आ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जिला परिषदों को उनके स्तर पर कुछ विभागों के कार्य व वित्तीय अधिकारी भी सौंपे गए हैं। कई राज्यों में पंचायती राज संस्थानों को मौलिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वह छोटा कर्मचारी है, गेस्ट टीचर है या कोई अन्य कर्मचारी है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को मुख्य रूप से अध्यापन कार्य पर भी फोकस करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इसी के चलते ऑनलाइन संस्थारण नीति बनाई ताकि अध्यापक अपने विकल्प के अनुरूप अपने ही जिले में स्टेशन प्राप्त कर सके। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. महावीर प्रसाद ने शिक्षा मंत्री को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कोविड 19 के दौरान ई लर्निंग पर जारी इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन रिमोट लर्निंग इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया की कॉपी भी भेंट की। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताज़ा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।